पिछले दिनों के दो एक बयान हैं, एक आधा घटनाएं हैं, समस्या और उनका समाधान सुनिए। आपकी पार्टी के विद्वान लीडर के बयान से बवाल उठा तो मेरे मन में भी सवाल उठा। बहुत अच्छे। आजादी की लीज खत्म हो जाने पर जब हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और दोबारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाएंगे तो हम भी फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे क्या? आजादी के बाद पेंशन वेंशन कुछ पाएंगे क्या? बहुत अच्छे। आजादी के बाद बहुत अच्छे। पेंशन वेंशन कुछ पाएंगे क्या सर? या तो इस तरह के इतिहास से मुक्ति दिलवा दीजिए या मान्यता देकर व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए। मान्यता देकर खुलवा दीजिए। आपकी एक और नेता का बयान, वेब सीरीज की स्क्रिप्ट पहले पढ़ेंगी ताकि भावनाएं आहत ना हो, बाद में कोई विवाद इस बाबत ना हो। बहुत अच्छे। कोई आंदोलन करने लगता है, कोई पोस्टर फाड़ने लगता है, कुछ नहीं मिला तो सेट पे लोगों को मारने लगता है। इस समस्या के समाधान का मशवरा है, ध्यान दीजिए, बहुमत की सरकार है, कानून बनाइए, छुट्टी कीजिए। बहुत अच्छे। कानून बनाइए, छुट्टी कीजिए, एक दिन का काम है। कानून बनते ही ये सब डर जाएंगे, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और इनके हालात भी सुधर जाएंगे। बहुत अच्छे। इनके हालात भी सुधर जाएंगे। ये कुछ बड़े मुद्दे थे जिन पे तवज्जो पूरी है। बाकी महंगाई, पेट्रोल जैसे छोटे सवाल क्या पूछना, जवाब सबको पता है। हम लोगों की खुशहाली के लिए 60 रुपए टमाटर, 125 रुपए पेट्रोल हम ही को खरीदना जरूरी है। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। पर पब्लिक की अपेक्षा बीजेपी सरकार से हमेशा रही है। आप तो ऑफिशियली बता सकते हैं सरकार इस बार दिवाली में जनता को ट्विटर पे शुभकामनाओं के अलावा क्या तोहफा देगी? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो हर भारतीय को अलग अलग रूप में तोहफा तो मोदी जी की ओर से, इस सरकार की ओर से निरंतर कोई ना कोई योजना के तहत दिया जा रहा है। पर हमेशा मान करके चलता हूं मैं व्यक्तिशा की सबसे बड़ा तोहफा जो 100 करोड़ जिस प्रकार के वैक्सीनेशन के डोज हो गए, यह सबसे बड़ा तोहफा यह हमारे देश के लिए, एक दूसरे के लिए, सभी के लिए है। आपका मानना है, यानी भाजपा का, मैंने अभी कही इसने कि वो लीज पे 99 साल के पे, तो 99 साल के लीज पर है, इसका मतलब है कि फिर से वो आ जाएंगे अंग्रेज हमारे यहाँ। तो तुमको पता है, इस बात को ही मान करके भाजपा काम कर रही है। अच्छा। यस भाई, धन्यवाद। जल्दी के भाजपा का मानना है आजादी पट्टे पर है, 24 साल बाद हम फिर गुलाम हो जाएंगे। पट्टे पर है, फिर गुलाम हो जाएंगे, यानी अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, किंतु आजादी की शताब्दी को नहीं मना पाएंगे। तो इसलिए हाँ, एक साल इसलिए तो अमृत मना रहे हैं कि वो न मना पाएंगे। अब समझ आया आपका मास्टर स्ट्रोक। अब समझ आया जब ये बात खुली कि पट्टे पर है। अब समझ आया आपका ये मास्टर स्ट्रोक के अंग्रेजों के मंसूबे सब ध्वस्त हो जाएंगे। अंग्रेजों के मंसूबे सब ध्वस्त हो जाएंगे और जो कुछ बचा है उसे फटाफट बेच डालो अंग्रेज आके। क्या ये झुंझुना बजाए? झुंझुना ये मास्टर स्ट्रोक है आपका। तो झूठ बोलकर पांव गाड़ दो, अंगद बन जाओ। झूठ बोलकर पांव गाड़ दो, कॉन्फिडेंस तकड़ा हो। झूठ बोलकर पांव गाड़ दो, कॉन्फिडेंस कमाल ही था। कॉन्फिडेंस तकड़ा हो और चाहे बुद्ध में गोबर ही हो लेकिन विजन बड़ा हो। भाई जय हो, जय हो, जय हो। अभी जब सोशल मीडिया खोलते हैं, एक बुरा काम हुआ जिसके मैं विपक्ष में हूँ, कि ऐसा कुछ खबर सुनने में आई कि पाकिस्तान की टीम जीती तो यहाँ कुछ लोगों ने पटाखे चलाए। ये राष्ट्रद्रोह का विषय है, ये राष्ट्रद्रोह है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन एक और काम हुआ, वो हादसे का विषय है, जो सोशल मीडिया पर जीतने के तर्क दे रहे, हारने के तर्क दे रहे थे कि हम इसलिए हारे, उसे सुनकर हंसी आ रही थी।
मेरे को लगा हार कर कोई इतना खुश नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे तर्क जुटाए, ऐसे ऐसे तर्क जुटाए सर को नोचे आईसीसी, ऐसे ऐसे तर्क जुटाए सर को नोचे आईसीसी, अरे नोचे आईसीसी अभी तक सोचे आईसीसी, ऐसे ऐसे तर्क जो ऐसा क्रिकेट कभी नहीं देखा। इतनी लंबी क्रीज नहीं थी जितनी लंबी छोड़ी, इतनी लंबी क्रीज नहीं थी जितनी लंबी छोड़ी, और ट्वीट किया के हमको उन पर दया आ गई थोड़ी, इन भक्तों को कुछ भी कहने में संकोच है आईसीसी, संकोच है आईसीसी कि सर को नोचे आईसीसी ऐसे। और अगला बंद देखें, स्वागत फिक्र, ये तर्क बहुत ही लाजवाब था, फिक्र नहीं की हार जीत की और जीने मरने की, उनके नौ बल्लेबाजों को बैटिंग ना करने दी, ये तो कम था, उनके नौ बल्लेबाजों को बैटिंग ना करने दी, अपनी खोपड़िया को अपने हाथ खरोंचे आईसीसी। ये भी इसी गोत्र का है कि पाकिस्तानी साजिश में त्योहार नहीं बिसराते, ये साजिश थी उस दिन मैच रखवाया गया था, पाकिस्तानी साजिश में त्योहार नहीं बिसराते, अरे हार जीत में लगते या फिर करवा चौथ मनाते, हार जीत ये सब ट्विटर पे था, हार जीत में लगते या फिर करवा चौथ मनाते, ऐसे उछल रहे थे कैसे इन्हें दबोचे आईसीसी। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, डर लग रहा है आपसे, मुस्कुरा रहा हूं। ऐसे मुस्कुरा रहे हो तो फिर ऐसे ही रहने दो कि झूठ को सच कहते कहते ये इतना बोर आ जाए, कहीं हार कर ट्रॉफी पर ही दावा ना कर आए, इनकी खेल भावना लख के आंसू पोंछे आईसीसी, आंसू पोंछे आईसीसी कि सर को नोचे आईसीसी। बहुत बढ़िया। और योगी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के लिए के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। एक वामपंथी बोला ठीक ठीक लगा लो, चार लगवा लेंगे। अपने देश में सर गजब गजब के नेता है, केंद्रीय मंत्री हमारे वहाँ के रामदास अठावले जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर शादी कर लेंगे तो मोदी जी पर हमले कम करेंगे, उन्होंने कल कहा है। मैं तो कहता हूँ राहुल जी को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे, क्योंकि पहली शादी करने की उम्र तो निकल चुकी है। बहुत अच्छे। अच्छा है। खबर आई कि 14 साल बाद माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो गई। अब इस पर भी राहुल जी को तकलीफ हो गई, राहुल जी नाराज हो गए, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्यों, अब और क्या फूंकना था। आए हाय, भाई बढ़िया, अच्छा है। साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा कि कोई भी फिल्म बनने से पहले, आपने बताया अभी, कोई भी फिल्म बनने से पहले वे उसकी स्क्रिप्ट चेक करेंगी, तो देखा जाए तो ये कदम शिल्पा शेट्टी को भी उठाना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने तर्क रखे और दमदारी से ये कहा कि हम जो चुनाव हो रहे हैं, यूपी की बात आई थी कि यूपी का चुनाव जीतेंगे। सर मैं यूपी में रहता हूँ और मुझे तो कोई चिंता नहीं है, आप यूपी का चुनाव शौक से ही जीतें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि दुनिया के सीधे लोग जब भी ठगे गए हैं, सारे छद्म भेषधारियों ने ठगे हैं जी। अच्छा है। दुनिया के लोग सीधे जब भी ठगे गए हैं, सारे छद्म भेषधारियों ने ही ठगे हैं जी, और ये अपने बाप दादाओं को भी धोखा देते, कोई ये ना सोचे कि ये किसी के सगे हैं जी। बहुत बढ़िया। छद्म भेषधारी के अक्षम न सक्षम और गीदड़ न शेर होता। अच्छा, अक्षम न सक्षम
गीदड़ न शेर होता फिर भी प्रयास में रात दिन लगे हैं जी। और भक्त और कांग्रेस दोनों एक जैसे ही हैं, जो नहीं है उसे वो बनाने में लगे हैं। लपेट दिया भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राम जी ये बताइए, लपेटे गए आप या नहीं लपेटे गए? नहीं देखो, सच्चाई का पक्ष रखने में इस प्रकार से सोचना कि लपेट गया ये ठीक नहीं होगा, पर सभी कवियों की अपनी अपनी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। आपने भी कुछ सटीक सवाल पूछे, पर यहाँ पर जाते जाते एक कह दूँ कि कई बार सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति है वह उसकी छवि कई बार लोगों के सामने नहीं आ पाती। लपेटे में नेताजी, इसमें आपकी कविताएं मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, आपके दर्द के दर्द को, आपके दम को, आपके कशिश को और सभी की प्रतिभाओं को सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में।